हेलो। जैसा कि आप लोग को पहले क्लास में इनकम टैक्स का, हम लोग पहले क्लास में क्या पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर शायद 16 तक हम बताए थे। बुक का नाम है SM शुक्ला, ठीक है, और लेसन का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग का अधूरा छूट गया था, जिसे पूरा करने के लिए हम सोच रहे हैं कि इसको ऑनलाइन पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग भी इसको ऑनलाइन को ऑनलाइन पढ़ के समझ के अच्छा से कॉपी में इसको लिखिएगा, ठीक है, तब मेरा जो ये पढ़ा रहे हैं तब ये सफल हो जाएगा। मिस्टर राम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्या लिख रहा है कि मिस्टर राम गोपाल एक एम्प्लॉई है कंपनी में, उसका सैलरी है 40,000 पर मंथ एज सैलरी, और प्लस 10% हम लोग को क्या मिल रहा है, डियरनेस पे। तो पहले ही आप लोग को बता दिए हैं कि डियरनेस पे हम लोग के लिए क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन। जो हम लोग का डियरनेस पे होता है वो टर्म एंड कंडीशन है, इसमें देखना नहीं है कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट में यूज हो रहा है या नहीं, या अदर कहीं यूज हो रहा है या नहीं, ये हमेशा ऐड करना है अदर बेनिफिट में। उसके बाद क्या लिख रहा है कि ही इज गेटिंग इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ, ही हैज़ स्पेंड 5,000 ऑन कस्टमर कंपनी कस्टमर। एक चीज़ बता देते हैं, इंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिल रहा है कंपनी उसमें कितना खर्चा कर रही है मायने नहीं रखता है, ठीक है, जितना अलाउंस मिल रहा है वो लिखेंगे। ही इज प्रोवाइडेड, उसको एक प्रोवाइड हुआ है, क्या प्रोवाइड हुआ है, रेंट फ्री हाउस, ठीक है, अनफर्निश्ड मतलब विदाउट फर्नीचर, और रेंटल वैल्यू उसका 5,000। तो इसमें भी बताए थे कि अपना घर अगर नहीं रहेगा, ठीक है, तो सैलरी का 15% और प्लस रेंट पेड, दोनों में जो कम होगा वही वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस होगा। द हाउस इज ऑन बाय द कंपनी, ही इज एल्सो प्रोवाइडेड विथ ए स्मॉल कार, ठीक है, उसको का स्मॉल कार मिला है, पर्सनल और ऑफिस यूज मतलब मिक्स यूज हो रहा है, ऑल एक्सपेंसेस मेंटेनेंस एंड रनिंग एक्सपेंसेस मेड बाय द कंपनी। इसके बारे में भी आप लोग को पहले बताए हैं, जैसे जिस समय रूल लिखवाए थे कि कार अगर मिक्स यूज होता है और ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लायर, और बिग कार है तो 2,400, स्मॉल कार है तो 1,800, ठीक है, ड्राइवर रहेगा तब एडिशनल 900 पर मंथ, लेकिन इसमें ड्राइवर तो नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, सैलरी कितना मिल रहा है, 40,000 पर मंथ। फोर्टीन थाउजेंड पर मंथ कितना हो जाएगा, फोर्टी उसके बाद हम लोग का क्या है, 10% डियरनेस पे, जिसको बोलते हैं DP, 48,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या है, इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ, इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ। फिर हम लोग का है, इंटरटेनमेंट अलाउंस तो हो गया, उसके बाद उसको रेंट फ्री हाउस मिला है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, सैलरी का 50%, 48,000 प्लस 48 का 15%, ठीक है, तो हम लोग का ये 15% हम लोग का कितना आएगा, ये हम लोग का आ रहा है 81,000, कितना आ रहा है 81, और रेंट कितना था, ओ फेयर रेंटल वैल्यू दिया हुआ था ना, रेंट नहीं दिया हुआ, अपना घर है, तो 15% कितना परसेंट, 15% आ रहा है 81, रेंट पेड नहीं दिया हुआ, ठीक है, एनुअल रेंटल वैल्यू दिया हुआ, फेयर वैल्यू। उसके बाद क्या लिख रहा है,
द हाउस इज ऑन बाय द कंपनी, ठीक है। ही इज ऑल्सो प्राइवेट अ स्मॉल कार, कार देखिए ड्राइवर भी है क्या, वो एक लाइन और पढ़ लेते हैं इसको। ही इज ऑल्सो प्रोवाइड विथ ए स्मॉल कार पर्सनल एंड ऑफिस यूज, ऑल एक्सपेंसेस मेंटेनेंस एंड रनिंग एक्सपेंसेस मेट बाय द कंपनी। ड्राइवर का जिक्र नहीं है तो हम लोग 18,000 स्मॉल कार है ना, 1800 इंटू 12 इसको ऐड कर दीजिए, सिक्स 42 600 हम लोग का टोटल हो गया। इसमें से हम लोग का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इस बार से ही यूज में आ रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000, ये हम लोग का आंसर आया। फिर से एक बार समझा देते हैं इसको। देखिए सैलरी हम लोग का कितना मिल रहा था इसमें, 40,000 पर मंथ था। डीपी भी इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या था, 5,000 एक्सपेंसेस है उसको नहीं लेना है। और वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस में क्या बताए थे, रेंट पेड, तो रेंट पेड इसमें दिया हुआ नहीं है, फेयर रेंट दिया हुआ है तो कुछ नहीं दिया रहेगा। तो जितना सैलरी रहेगा उसका 15% है। इसमें सैलरी आप लोग को कैसे बताए थे, बेसिक सैलरी डीपी डीए टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, अगर टर्म एंड कंडीशन नहीं है तो डीए नहीं लेना है। और ऑल टैक्सेबल अलाउंस, परक्विजिट्स नहीं, सिर्फ टैक्सेबल अलाउंस लेना है हम लोग का, तो उसका 15% हम लोग का यहाँ पर यही था ना, 1, 2, 3 इसके बाद तो कुछ नहीं था। उसके बाद यहाँ से तो हम लोग का परक्विजिट्स है, कार और रेंट फ्री हाउस दोनों ऐड कर दिए। कार के बारे में क्या रूल बताए थे, अगर छोटा कार है और ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ऑल एक्सपेंसेस मेट बाय एम्प्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑल्सो बोथ, तो कितना हो जाएगा 1800। अगर बिग कार रहता तो 2400, उसका ऐड कर दिए सबको इतना है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 मैक्सिमम लिमिट हम लोग माइनस कर दिए, तो 6,202,600 आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास है 18, जो कि थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक बार क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेते हैं, मिस्टर देवेंदर, ठीक है, मिस्टर देवेंदर एम्प्लाई है इन ए कंपनी दिल्ली में, इज ड्राइंग ए सैलरी 25,000 पर मंथ, और डीए कितना है 10% डीएनएस पे है, डीए नहीं, ही इज गेटिंग इंटरटेनमेंट अलाउंस, ही स्पेंड 5,000 ऑन कंपनी कस्टमर, ही इज प्रोवाइड अ रेंट फ्री हाउस, फेयर रेंटल वैल्यू इसमें भी सेम लग रहा है 4,000, हाउस ऑन बाय द कंपनी, स्मॉल कार मिला है, एक्सपेंसेस सब से सेम क्वेश्चन लग रहा है हम लोग को, लगभग सब सेम है, ठीक है। एक क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन सिर्फ पढ़ देते हैं, क्या है, देवेंदर बोरोड 1,00,000 इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द कंपनी बिफोर 1 ईयर, एज्यूम द स्टेट बैंक चार्ज 10% पर एनम। देखिए एक बना ही देते हैं इसको भी, ठीक है, देवेंदर को कितना मिल रहा पहले लिखते जाते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। देवेंदर को सैलरी मिल रहा है 25,000 पर मंथ, सैलरी 25,000 पर मंथ मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या है 10% डीपी, इसी का 10% 30,000। हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, सैलरी सब में क्या है क्वेश्चन बड़ा दिखेगा लेकिन बनेगा तो छोटा ही बनेगा, इसलिए आराम से टैक्स का जब एग्जाम देने जाइएगा तो आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इजीली बन जाएगा, ठीक है, उतना बकाने का जरूरत नहीं है। इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 1,000 पर मंथ, ठीक है, अभी फिर बताए थे इसमें भी एक्सपेंसेस दिया हुआ तो उसको इग्नोर कर देना है। उसके बाद क्या लिख रहा है, एक रेंट फ्री हाउस मिला है उसको, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, इसमें भी उसी तरह निकाल लेंगे, 3,00,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 का 15%, ठीक है, कितना आ जाएगा 342 का 15%, 342,000 का 15%,
51,300। फिर हम लोग का क्या है कि तो रेंट फ्री हाउस का हो गया। हम रूल बताते समय आप लोग को बताए थे कि HRA, रेंट फ्री हाउस, कार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सैलरी का। उसके बाद क्या मिल रहा है हम लोग को, कार मिला है स्मॉल कार, प्राइवेट एंड ऑफिस यूज, मतलब मिक्स यूज है, और ड्राइवर भी है। देखिए लिखे क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए, मेंटेनेंस एंड ड्राइवर एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द कंपनी। तो देखिए स्मॉल कार है ना, तो 1800 हुआ प्लस हम बताए थे ड्राइवर दिया रहेगा तो 900 इंटू 12। उसके बाद क्या है कि एक इंटरेस्ट ऑन इसको लोन मिला है, इंटरेस्ट ऑन कंपनी की तरफ से लोन मिला है 1,00,000 रुपये का, लेकिन 10% इंटरेस्ट इसको देना है। अगर बाहर से लेते तो 10% इंटरेस्ट लगता हम लोग को, ठीक है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट फ्री लोन लिए हैं तो हम लोग के लिए प्रॉफिट हुआ ना। इसको ऐड कर देंगे, वहाँ तक ऐड किया हुआ था, हम लोग का ऐड करके आया 435,700। उसके बाद लेस डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000। ये हम लोग का क्या हो गया, टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल। तो देखिए दोनों क्वेश्चन सेम था, सिर्फ हम लोग का इसमें अलग क्या है, ड्राइवर। दोनों क्वेश्चन हम लोग का क्या था, सिमिलर था, सिर्फ हम लोग का इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं था, इसमें ड्राइवर था, इसमें ड्राइवर नहीं था, ठीक है। फिर से एक बार समझाते, सैलरी दिया हुआ था, डीपी दिया हुआ था, जितना अलाउंस हो पहले ऊपर में एक साथ लिख लेना, उसके बाद परक्यूजिट्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ लिखना, जैसे ये है आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो आरपीएफ का लिखना है, तो ये सब हम लोग पहले लिख लेंगे। अलाउंस सबसे पहले सैलरी, डीपी, डीए और जितना तरह का अलाउंस है सब लिखना है, उसके बाद परक्यूजिट्स लिखना है, ठीक है, उसके बाद आगे लिखना है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और बना देते हैं, 19 नंबर। आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छा से इसको लिख लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा दोबारा पूछिएगा कॉल करके। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन क्या है, मिस्टर बी, ठीक है, इम्प्लॉयड है इन मुंबई में, हिज पार्टिकुलर ऑफ द इनकम क्या क्या दिया हुआ। बेसिक सैलरी 17,000 पर मंथ है, डीए हम लोग का 4,000 पर मंथ है, देखिए लिख दिया इसमें ब्रैकेट में 40% इज कंप्यूट रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब डीए जो 40% है ना, वो HRA हो, रेंट फ्री हाउस हो, आरपीएफ में डालने वाला एम्प्लॉयर का सैलरी हो, इसमें 40% डीए का लेना है, मतलब 40% टर्म एंड कंडीशन है, 60% नहीं है। उसके बाद क्या है, बोनस हम लोग को मिल रहा है 20,000, कमीशन मिल रहा है 15,000 पर ईयर, इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है हम लोग को 3,000 पर मंथ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 19, आप लोग को पहले ही बोल दिए, ऊपर में लिख देना है, एग्जाम में बनाएंगे तब। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ये बार बार हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप लोग को एग्जाम में लिखना है, ओके। इसमें सबसे पहले क्या है, सैलरी कितना पर मंथ था, 17,000, 17 × 12, 204 शायद, ठीक है। डीए 40% यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पूरा लिखना है। डीए हम लोग को मिल रहा है 4,000 पर मंथ। फिर हम लोग का है बोनस, बोनस कितना मिल रहा है, 20,000,
इसके बाद कमीशन 15,000 पर ईयर। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000 पर मंथ। अब शायद कुछ नहीं है तो इसी को हम लोग पहले ऐड कर लेंगे। आया हम लोग का 3,00,000। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 40,000 हम लोग का है। ₹2,83,000 ये हम लोग का टैक्सेबल सैलरी आ गया, टैक्सेबल सैलरी। इसमें तो ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं था इसलिए इजीली बन गया। सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन, इंटरटेनमेंट अलाउंस सबको जोड़ दीजिए और इसमें माइनस कर देना है। एक और क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिख रहा है, फ्लोइंग पार्टिकुलर आर द फर्निश बाय फ्लोइंग आर द फर्निश बाय द मिस्टर वसंत, सिटीजन है इंडिया का, नेट सैलरी इसको कितना मिल रहा है, 24,00,000 पर एनम। ठीक है ना, नेट बेसिक सैलरी आरपीएफ में लेकिन डालने के बाद, ठीक है, नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 240,000। ठीक है, और उनका अपना कंट्रीब्यूशन कितना है, 20,000। तो देखिए लिखेंगे इसमें सैलरी 240,000 और प्लस कितना कंट्रीब्यूशन डाल रहा है पीएफ में, 260। ठीक है, हम लोग का 260 हम लोग थाउजेंड हम लोग का सैलरी है। उसके बाद इंटरेस्ट आरपीएफ में 9.5% जान ही रहे हैं कि इंटरेस्ट पीएफ में रहेगा 9.5% तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, इसको कोलार में इसका घर है और 30,000 पर, मतलब 30,000 ही मिल रहा है हम लोग को एचआरए। तो एचआरए तो हम लोग को सिर्फ लिखना है टैक्सेबल, ओनली टैक्सेबल पार्ट लिख लिया, वर्किंग नोट में हम लोग को निकाल लेंगे। ठीक है, टैक्सेबल पार्ट। उसके बाद हम लोग का क्या है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर दिया है, यूनिक लिंक इंश्योरेंस प्लान में लिंक कितना दिया है हम लोग का, 2,000, तो लिख देंगे 2,000। ठीक है, उसके बाद वैसा तो कुछ नहीं है तो चलिए इसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग का स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। वर्किंग नोट देखिए क्या था, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो 1 नंबर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो सैलरी इसमें क्या है, 260 ही लेंगे और क्या लेंगे, और तो कुछ है नहीं इसमें डीए सब। तो हम लोग का कितना है, रेंट पेड दिया हुआ 30,000, 10% ऑफ 26
2,60,000 ये आ गया हम लोग का 4,000। उसके बाद कोलार में है ना घर, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 40% ऑफ सैलरी 104। 10 और थर्ड कितना है एच आर ए, इसको मिला है 14,400। तीनों में कौन कम है, 4,000 ना, इसलिए एग्जेम्प्टेड कितना हो जाएगा 4,000, या टैक्सेबल कितना हो जाएगा 14,400 इसको मिल रहा है, 4,000 हम लोग का एग्जेम्प्ट हो गया, 10,400। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, 260 + 10,400 + 2,000 हम लोग का आ गया 272,400, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 आ गया हम लोग का 2,400। ये हम लोग का क्या हो गया, टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, तो इसमें भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसमें नया हम लोग का क्या था, ये वाला हम लोग का नया था। ठीक है, तो ये नया था हम लोग का, तो इसमें जितना भी अपना पीएफ में डालने के बाद उसका सैलरी था 240, तो पीएफ में कितना डाला था 20, तो 260 हो गया। एचआरए पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।